मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उठ गए? आज का व्लॉग यार सुबह सुबह स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिकली नाश्ता लेने के लिए जा रहा था तो लॉकडाउन भी है, साथ साथ ये भी कवर हो जाएगा रास्ता और साथ साथ व्लॉग भी बन जाएगा। ठीक नहीं है कि मैंने लॉक नहीं किया हुआ, गिम्बल पे ही मैं बना रहा हूँ अभी भी व्लॉग। बाकी अस्सलाम वालेकुम, तो बाकी जो है वो तो आपको पता लग ही जाएगा वीडियो में जब वीडियो स्टार्ट होगी। लॉकडाउन का सीन कुछ ऐसा है कि नाश्ते की दुकानें अब खुली होती हैं, नहीं क्योंकि खाने की दुकानें तो तकरीबन सारी ही खुली हैं, उनको बंद नहीं किया जा रहा। तो अब वहाँ जाके देखते हैं कि नाश्ते का क्या सीन है। ठीक है ना, इसलिए बना दो आ जाएगी फिलहाल, मैं नान को से रहा था। नाश्ता तो हो गया और नाश्ता ले लिया, मींस के हो नहीं गया ले लिया। और बाकी ये है कि यहाँ पर स्लीम होटल वाली गली है मशहूर नाश्ते की, यहाँ पर मैं आया हूँ और हमारे मोस्टली जो नाश्ता है वो यहीं से ही होता है। तो ये भाई हैं यार, ज़रा अपने नाश्ते की जगह का नाम बता रहे हैं, ये कौन सा है आपका पॉइंट नाश्ता? स्लीम होटल वाली गली। स्लीम होटल वाली गली नाश्ते का पॉइंट का नाम तो होगा ना आपके? फैसला। ठीक हो गया, ये इनका पॉइंट है। बाकी आप ही हैं, देखें आप विज़िट करें ज़रूर, भावना में जाती हैं। वह सुबह का माहौल, लॉकडाउन है सही लेकिन हजे लॉकडाउन नहीं है। तुम जो दिन चढ़े तो फिर देखना आवाम किदा बाहर आती, इन्हों कोई मतलब नहीं होना कि लॉकडाउन है नहीं है, मतलब इतना कुछ भी नहीं होना। ये तो जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। नहीं जी, घर आ गए आया था कारखाने, इधर से मुझे फ़ोन आया था चाचा मुख्तियार का कि यार चक्कर लगा दो, तो उनकी तबीयत भी ख़राब थी काफ़ी दिन हो गए, मैं मिला भी नहीं था उनसे। तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लेता हूँ आगे, मैं भी उनके पास आया हुआ था। बाहर तो बहुत रश है, लॉकडाउन नहीं लग रहा कि लॉकडाउन है, और जो हमें चीज़ें अपनानी चाहिए वो भी नहीं अपना रहे, मास्क शास्क भी नहीं है इतना, और सैनिटाइज़र भी नहीं है। बाकी बाहर का भी व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा ख्याल अभी क्या टाइम है, 12:15 का टाइम है, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। चीज़ नहीं समझ आ रही है, अगर आप लोगों की समझ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आटे का बहरान सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है, जब तक आपके पेट में कुछ रिजल्ट नहीं होगा, कुछ खुराक नहीं होगी, और तमाम खुराकों में सबसे ज़्यादा जो हमें ताकत देती है वो मेरे ख्याल आटा ही है, जिसकी हम रोटी खाते हैं, जिस तरह कुछ भी हम करते हैं, अगर हमें ये ही ना मैसर हो सही से तो बताएं हम कहाँ जाएँगे। मतलब जैसे आटे का बहरान हुआ है, कोरोना के अंदर भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। किसकी खातिर वो मरना चाह रहे हैं? भूख की खातिर, बच्चों की खातिर, बीवी की खातिर, माँ की खातिर, बाप की खातिर, अपने घर की खातिर ही मरना चाह रहे हैं ना वो लोग, कि उनको भूख की जो शिद्दत है वो उनको ये नहीं दिखा रही कि आगे मौत है। उनको कोरोना से क्या डर लगना है, उनको होना है सबसे ज़्यादा हमें भूख से है। अगर हमारी भूख पूरी है तो हमारा कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता, ये आवाम का एक लॉजिक है। ठीक, और अगर कोरोना का हम ख्याल करने लग गए फिर असं भुखे मर जावेंगे, असं लाइन च नहीं लगेंगे यार, जे इस लाइन से कोई एक बंदा भी कोरोना लाया तो मैं तो मर जावगा। यहाँ पे जितने भी लोग लग रहे हैं लाइन में वो ये सोच के लग रहे हैं यार जे मैं मर जावगा घट्टो घट मेरे घर देते जी जिन्हें भी ने सारे रोटी तो खा लेंगे ना सुकून के नाल। तो इसलिए इस बात पर ज़रा थोड़ा सा अगर आप लोगों में कुछ भी थोड़ा सा भी इलम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम ये कहें कि यार
ये आटा जो है जो भी इसको मतलब स्टॉक करके रख रहा है वो उसका ईमान ताज़ा हो, ये कि यार मैं नहीं रखूँगा स्टॉक करके, मैं सब ही आटा जो है वो दूँगा ही लोगों में, लेकिन उनको दूँगा जिनका हक है। ऐसा नहीं होगा कि जो चार चार पाँच पाँच थैले ले जा कर और अपनी दुकानों पर फिर महंगे से रेट से बेचें, बल्कि उन तक दूँगा कि जो इसके हकदार हैं। नहीं जी, अब कारखाने से मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और आपके सामने बाकी शाम में निकलूँगा भाई, अगर निकल सकता हुआ तो वहाँ के भी फिर जो है थोड़े से व्यूज ले लूँगा अगर ले सकता हुआ तो। शॉप पर आ गए हो, जहाँ से सामान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको तो देखा होगा ना पहले भी ब्लॉग में। लेट तो नहीं हो गया? नहीं, देखो हल्का जो अंज करो तो इधर हल्का जो अच्छी चीज़ है।